नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम योर इंग्लिश टीचर अनीता गुप्ता। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अल्फाबेट्स। हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं? ए टू जेड 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स में। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम N O P Q R S T U V W X Y Z, A to Z हमारे अल्फाबेट्स हैं। इसमें से हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, 21 हमारे क्या है इसमें कॉन्सोनेंट हैं। फाइव है हमारे वोवल्स, ए ई आई ओ यू। फाइव क्या है हमारे वोवल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अल्फाबेट ए। तो अल्फाबेट ए के बारे में पढ़ेंगे। ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर एलिगेटर जिसे आप क्रोकोडाइल के नाम से भी जानते हैं। एलिगेटर लिव्स बोथ इन वाटर एंड लैंड, ये जमीन और पानी दोनों में रहता है। एप्रिकॉट, एप्रिकॉट इज अ शीडेड फ्रूट, ये बीजदार फल है। लुक लाइक अ एप्पल, ये एप्पल के जैसे दिखाई देता है। एप्रिकॉट का हिंदी नाम है खुबानी। आयरन इज फाउंड इन दिस फ्रूट, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन का मिनरल्स होते हैं। अशोका ट्री, बच्चों ने इसे देखा ही होगा। इट इज ए स्मॉल एवरग्रीन ट्री, इट्स फ्लावरिंग सीजन इज अराउंड फरवरी टू अप्रैल। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, शायद बच्चे इन्हें अच्छे से जानते होंगे। ही वॉज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट हु मेड मैनी न्यू इन्वेंशन। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। एन एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु गोज इन टू आउटर स्पेस, फॉर एग्जाम्पल कल्पना चावला। कल्पना चावला इज ए वूमेन Who made the country proud all over the world? Ambulance, ambulance is a vehicle used for sick pupils. It is a used transfer patient from one place to another. It has a siren and red light. Ant, ant means होता है चींटी। बच्चों ने तो देखी होगी ना चींटी। Ant is a small insect. Ant is a strongest insect. Apple, apple तो बच्चे जानते हैं ना। An apple is a red colored fruit. It is a healthy fruit. So well known saying, an apple a day keeps the doctor away. इसलिए हमें डेली एक apple खाना चाहिए। How to write small a? Start from the middle and make a curve. हम सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक कर्व बनाएंगे। एंड गो द मिडिल अगेन एंड ड्रॉ द स्टैंडिंग लाइन विथ स्मॉल कर्व। सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे छोटे से कर्व के साथ। नीचे तक लाके हम छोटा सा एक घुमाव देंगे। जो अब हम फोर लाइन की नोटबुक में स्मॉल ए बनाना सीखेंगे। तो यहाँ कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4। जब हम कैपिटल ए बनाते हैं तो हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, बट जब हम स्मॉल ए बना रहे हैं तो हम सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकेंड लाइन को अपनी पेंसिल को रखेंगे, यहाँ से घुमाते हुए थर्ड लाइन तक एक कर्व बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर यहीं पर हम पेंसिल को रखेंगे, फिर यहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन ले जाके थर्ड लाइन तक एक छोटा सा कर्व बना देंगे। ये हो गया हमारा स्मॉल ए। चलिए हम फिर से बनाते हैं। सेकेंड लाइन पर पेंसिल को रखेंगे, घुमाते हुए यहाँ पर थर्ड लाइन तक एक कर्व बनाएंगे। इसी पे सेकेंड लाइन पर फिर से पेंसिल को रखेंगे और नीचे स्ट्रेट लाइन ले जाते हुए घुमा देंगे यहाँ एक कर्व। ये बन गया हमारा स्मॉल ए। ये देखिए इस तरीके से हमें बनाना है स्मॉल ए। रिपीट अगेन, हम एक बार फिर बनाएंगे।